बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आतिम असम एक मशहूर बुज़ुर्ग हैं जो हज़रत शकीक बलखी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास शगिर्द हैं। उनसे एक मरतबा शेख ने दरियाफ़्त किया कि हातिम कितने दिन से मेरे साथ हो। उन्होंने अर्ज़ किया 33 बरस से। फरमाने लगे, इतने दिनों में तुमने मुझसे क्या सीखा? हातिम ने अर्ज़ किया, 8 मसले सीखे हैं। हज़रत शकीक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतनी तवील मुद्दत में सिर्फ 8 मसले सीखे? मेरी तो उम्र ही तुम्हारे साथ ज़ाय हो गई। हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, हजूर सिर्फ 8 ही सीखे हैं, झूठ तो बोल नहीं सकता। हज़रत शकीक ने फरमाया, अच्छा बताओ वो 8 मसले क्या हैं? हज़रत हातिम ने अर्ज़ किया, पहला ये कि मैंने देखा कि सारी मखलूक को किसी न किसी से मोहब्बत है, बीवी औलाद माल अहबाब वगैरह से, लेकिन मैंने देखा जब वो कब्र में जाता है तो उसका महबूब उससे जुदा हो जाता है, इसलिए मैंने नेकियों से मोहब्बत कर ली ताकि जब मैं कब्र में जाऊं तो मेरा महबूब भी साथ ही जाए और मरने के बाद भी मुझसे जुदा ना हो। हज़रत शकीक ने फरमाया, बहुत अच्छा किया। दूसरा ये कि मैंने अल्लाह ताला का इरशाद कुरान पाक में देखा कि जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा होगा और नफ्स को हराम ख्वाहिश से रोका होगा तो जन्नत उसका ठिकाना होगा। मैंने जान लिया कि अल्लाह ताला का इरशाद हक है। मैंने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला की इताअत पर जम गया। तीसरा, मैंने दुनिया को देखा कि हर शख्स के नज़दीक जो चीज़ बहुत कीमती है, बहुत महबूब होती है, वो उसको उठाकर बड़ी एहतियात से रखता है, उसकी हिफाजत करता है। मैंने अल्लाह ताला का इरशाद देखा कि जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है वो ख़त्म हो जाएगा, ख्वाह वो जाता रहे या तुम मर जाओ, हर हाल में ख़त्म हो जाएगा, और जो अल्लाह ताला के पास है वो हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ है। इस आयत शरीफा की वजह से जो चीज़ भी मेरे पास ऐसी कभी हुई जिसकी मुझे वक़्त ज़्यादा हुई और वो मुझे ज़्यादा पसंद आई तो मैंने अल्लाह ताला के पास भेज दी ताकि हमेशा के लिए महफूज हो जाए। चौथी बात, मैंने सारी दुनिया को देखा, कोई शख्स माल की तरफ अपनी इज़्ज़त और बड़ाई में लौटता है, कोई नसब की शराफत की तरफ, कोई और फ़ख्र की चीज़ों की तरफ, यानी इन चीज़ों के ज़रिए से अपने अंदर बड़ाई पैदा करता है और अपनी बड़ाई ज़ाहिर करता है। तो मैंने अल्लाह ताला का इरशाद देखा कि अल्लाह ताला के नज़दीक तुम में सबसे बड़ा शरीफ वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार हो। इस बिना पर मैंने तकवा अख्तियार कर लिया ताकि अल्लाह जल्ला शानहु के नज़दीक शरीफ बन जाऊँ। पांचवी, मैंने लोगों को देखा कि एक दूसरे पर तान करते हैं, ऐब जोई करते हैं, बुरा भला कहते हैं, और ये सब का सब हसद की वजह से होता है, एक को दूसरे पर हसद आता है। मैंने अल्लाह ताला शानहु का इरशाद देखा कि दुनियावी ज़िंदगी में उनकी रोज़ी हमने तकसीम कर रखी है और हमने एक को दूसरे पर फौकियत दे रखी है ताकि एक दूसरे से काम लेता रहे, यानी सब के सब बराबर एक ही नमूना के बन जाएं तो फिर कोई किसी का काम क्यों करे, कोई नौकरी क्यों करे, इससे दुनिया का निज़ाम ख़राब हो जाएगा। मैंने इस आयत शरीफा की वजह से हसद करना छोड़ दिया, सारी मखलूक से बेताल्लुक हो गया और मैंने जान लिया कि रोज़ी का बाँटना सिर्फ़ अल्लाह ताला ही के कब्ज़ा में है, वो जिसके हिस्सा में जितना चाहे लगाए। इसलिए मैंने लोगों की अदावत छोड़ दी और समझ लिया कि किसी के पास माल के ज़्यादा या कम होने में उनके फेल को ज़्यादा दखल नहीं, ये तो मालिकुल मुल्क की तरफ से है, इसलिए अब किसी पर गुस्सा ही नहीं आता। छठी बात, मैंने दुनिया में देखा तकरीबन हर शख्स की किसी न किसी से लड़ाई है, किसी न किसी से दुश्मनी है। मैंने गौर किया तो देखा हक ताला शानहु ने फरमाया, शैतान बेशुबह तुम्हारा दुश्मन है, बस उसके साथ दुश्मनी ही रखो। बस मैंने अपनी दुश्मनी के लिए उसको चुन लिया और उससे दूर रहने की इंतहाई कोशिश करता हूँ, इसलिए कि जब हक ताला शानहु ने उसके दुश्मन होने को फरमा दिया तो मैंने उसके अलावा से अपनी दुश्मनी हटा ली। सातवां यह कि मैंने देखा सारी मखलूक रोटी की तलब में लग रही है, उसी की वजह से अपने आप को दूसरों के सामने जलील करती है और नजायज़ चीज़ें अख्तियार करती है। फिर मैंने अल्लाह ताला शानहु का इरशाद देखा कि और कोई जानदार ज़मीन पर चलने वाला ऐसा नहीं है जिसकी रोज़ी अल्लाह ताला के ज़िम्मा ना हो। मैंने देखा मैं भी उन्हीं ज़मीन पर चलने वालों में से एक हूँ जिनकी रोज़ी अल्लाह ताला के ज़िम्मा है। बस मैंने अपने औकात उन चीज़ों में मशगूल कर लिए जो मुझ पर अल्लाह ताला की तरफ से लाजिम है और जो चीज़ अल्लाह ताला के ज़िम्मा थी उससे अपने औकात को फारग कर लिया। आठवीं चीज़, मैंने देखा कि सारी मखलूक का एतमाद और भरोसा किसी ख़ास ऐसी चीज़ पर है जो ख़ुद मखलूक है। कोई अपनी जायदाद पर भरोसा करता है, कोई अपनी तिजारत पर एतमाद करता है, कोई अपनी दस्तकारी पर निगाह जमाए हुए हैं, कोई अपने बदन की सेहत और कुव्वत पर कि जब चाहे जिस तरह चाहे कमा लूँगा, और सारी मखलूक ऐसी चीज़ों पर एतमाद किए हुए है जो उनकी तरह ख़ुद मखलूक हैं।
मैंने देखा कि अल्लाह ताला शानहू का इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह ताला पर तवक्कल करता है बस अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी है। इसलिए मैंने बस अल्लाह ताला पर तवक्कल और भरोसा कर लिया। हज़रत शकीक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हातिम तुम्हें हक ताला शानहू तौफीक अता फरमाए, मैंने तौरात, अंजील, ज़बूर और कुरान अज़ीम के अलूम को देखा। मैंने सारे खैर के काम इन्हीं 8 मसाइल के अंदर पाए। बस जो इन 8ों पर अमल कर ले उसने अल्लाह ताला शानहू की 4ों किताबों के मज़ामीन पर अमल कर लिया। इस किस्म के अलूम को उलमाए आखरत ही पा सकते हैं और दुनियादार आलम तो माल और जाह के हासिल करने में ही लगे रहते हैं। गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।